नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो हम बात करेंगे कि जीएसटी का जो चालान होता है, जो आप सीए की तरफ से लेके आते हैं, जीएसटी चालान 3 भी समझ जाते हैं हर महीने, उसका जो चालान हम पेमेंट करते हैं बैंक में जाके, नेट आरटीजीएस से ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, या जीएसटी जो स्टाफ है, जीएसटी ऑफिस होता है, वहां जाके भी उसकी पेमेंट करते हैं चालान की, उसकी अगर ऑनलाइन रिसिप्ट निकाली हो, ऑनलाइन रिसीट निकाली तो कैसे निकाले जाते हैं, इस वीडियो में दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उस रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको उसे दो चीज चाहिए, एक तो सीपीआई नंबर और उसको पार्टनर का जीएसटी नंबर जिसका आपने चालान निकालना है। दोस्तों, जब आप सीए के पास 3 समरी लेके आते हैं तो वो आपको इस तरह का एक चालान बना कर देता है। देखिए, आपको इस तरह का एक चालान बना देता है, इसको आपको अपने बैंक में जाके भरना होता है। इसके साथ आप चेक या कैश दोनों तरह भर सकते हैं और वो बैंक वाले सीधा रिजर्व बैंक को पेमेंट करके आपके जीएसटी पेमेंट कर देते हैं और नीचे अपना यूपीआई नंबर लिख के स्टैंप लगाकर आपको दे देते हैं। दोस्तों, एक तो ये तरीका होता है जीएसटी की रिसिप्ट लेने का, लेकिन इसको आप दोस्तों आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ऑनलाइन रिसिप्ट निकालने का क्या तरीका है, ये चालान दो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप बताते हैं कि किस तरह से आप जीएसटी की वेबसाइट के थ्रू आप अपनी चालान का ऑनलाइन रिसिप्ट निकाल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपको बताते हैं इस वीडियो में कि आप जीएसटी चालान जो आपको बैंक में नेफ्ट करा के उसको पे करके आए हैं, उसकी रिसिप्ट आप ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों, आपको क्रोम पे जाना है आपकी जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे मैंने ओपन कर रखा है gst.gov.in पर। सिंपली दोस्तों, आपको सेकंड या सर्विस का ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है पेमर्स, इस पे जाके आपको दोस्तों जो सेकंड नंबर पे ट्रैक पेमेंट सेटअप, आपको दोस्तों इस पे सिंपली क्लिक करना है। सिंपली दोस्तों, यहाँ पे उस पार्टी का जीएसटी नंबर एंटर करना है जिस पार्टी का आप चालान बैंक में भरकर आए हैं। तो सिंपली यहाँ पे उसका सीपीआईएन नंबर, जब आपको सीए की तरफ से चालान मिलता है तो उस चालान के ऊपर एक सीपीआईएन नंबर लिखा होता है, आपको यहाँ पे वो एंटर करना है। अगर नहीं मिल रहा तो आप सीए से कॉन्टेक्ट करके सीपीआईएन नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हिंदी आपको कैप्चर क्लिक करना है और ट्रैक पे क्लिक करना है। जीएसटी नंबर इनवर्ट उतार है, लगता है चुप चुप उतार इसलिए हो रहा है। सिंपली दोस्तों ट्रैक स्टेटस पे आप क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, नीचे व्यू सिप का टैब ओपन हो चुका है, सिंपली आप इस क्लिक करेंगे और जी आपका रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड क्लिक करने के बाद इसको पीडीएफ फाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपका नाम लिख देता हूँ, जीएसटी चालान राज। दोस्तों आप अपने विंडो में आएंगे, ये देखिए मेरी रिसिप्ट पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो चुकी है। ये तारीख उसकी, जिस तारीख को मैंने इसका जमा करवाया था, डिपोजिट डेट, इसका सीजीएसटी अमाउंट, टोटल रिसिप्ट। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये सीपीआई नंबर जो आपको अपने सीए से लेना है और ये सीन नंबर होता है बैंक का, जिस बैंक से आपने पे किया है आपको वहां से एक सीए नंबर, इसको आप यूटी नंबर बोल सकते हैं दोस्तों, इसको यूटी नंबर ही बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि ये चालान पे हो चुका है और इसकी रिसिप्ट आ चुकी है। सिंपली यहाँ पे नीचे मैंने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे किया है इलाहाबाद बैंक से और रिसिप्ट इसकी डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपके काम की हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।